डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी मैथ विद सरिता गोयल। टुडे क्लास सिक्स चैप्टर सिक्स इंट्रोडक्शन टू अलजबरा एंड डीएवी मैथ्स। इन दिस चैप्टर देर इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन, दैट इज इन सेवन्थ स्टैंडर्ड। बट इन सिक्स स्टैंडर्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजबराइक एक्सप्रेशंस। सो देर इज Now we are going to start worksheet number 7, that is worksheet number 7, finding the value of an algebraic expression. तो इसको कैसे करना है, देखो, finding the value of an algebraic expression, जिसमें हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फिल करेंगे और उसके बाद वेरिएबल को इलिमिनेट करके पूरे का पूरा नंबर हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, देन हम उसका वैल्यू फिल करेंगे। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। All the sums 1 to 5 we are doing in the solution. So sum number 1 is here. There is given a is equal to 2, b is equal to 3. Find the value of. So here it is 3a plus 2b. 3a ko kaise likhenge? 3 into a plus. Plus or minus they are separating the terms. To aapke paas ye do houses huye. Ek 3a ban gaya. एक 2b बन गया। तो 3a को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। सो नाउ 3 इंटू ए, अब एट द प्लेस ऑफ a आई एम फिलिंग a इज इक्वल टू 2। तो जहां पे a था वहां मैंने 2 फिल कर दिया, प्लस 2 इंटू एट द प्लेस ऑफ b देयर इज 3। नाउ सिंपल नंबर, अब आपके पास ये दो हाउसेज हैं, एक मल्टीप्लीकेशन, इधर भी मल्टीप्लीकेशन, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टू 6 प्लस 6, आंसर इज 12. So this is the value. 12 is the value of the algebraic expression. Again, one more sum is there. There is 2 into a minus b. ये देखो 2a. 2a को हम कैसे लिखेंगे? 2 into a minus b. So here it is written. And the place of a, I am filling value a is equal to 2. So here I am filling 2 into 2 minus b. At the place of b there is 3. So now there are 2 2s are 4 minus 3. Answer is 1. So we are going to start the next third, इसका second sum. Second sum के दो parts हैं। यहाँ आपको क्या given है, if x is equal to minus 1, y is equal to 2, z is equal to minus 3, then find the value of, there is x plus y plus z, so x plus y plus z, at the place of x there is minus 1, plus at the place of y 2, at the place of z there is minus 3, and put negative number into the bracket, minus 1 plus 2 plus minus minus. Now rearrange positive and negative. So positive number is 2, I have written at the first, negative ko hum back pe le gaye. Ab jo same sign hai usko underline kar lete hain, kyunki same sign, numbers add sign same, minus 1 aur minus 3 that is minus 4, ab different sign ho gaya, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, और क्योंकि 4 नेगेटिव है तो ज्यादा चीज नेगेटिव है वो बच गई हमारे पास, सो इट इज माइनस 2। सिमिलरली हियर इज 2x, पहले इस फॉर्म में लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, देन 2 इंटू एट द प्लेस ऑफ x आई एम फिलिंग द वैल्यू माइनस 1, 3 इंटू एट द प्लेस ऑफ y 2, प्लस 6 इंटू माइनस 3, इट विल बी 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 into 6, 2, 6 plus 6 into 3, 18. अब नेगेटिव नंबर एक ही बार है, प्लस माइनस, माइनस मतलब हमारे पास, नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस 2 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, नाउ सी 2 इज नेगेटिव, 6 इज नेगेटिव, 18 इज नेगेटिव, ऑल आर सेम ऑफ सेम साइन, एड ऑल द नंबर्स, 6 प्लस 2 8, 8 एंड दैट इज 26। जहां पे सारे साइन सेम होते हैं ना उसको कैसे बोलते हैं, सेम साइन नंबर्स एड साइन सेम, सेम साइन नंबर्स एड साइन सेम। तो नेगेटिव 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 ऑल आर सेम, सबको ऐड किया और साइन सेम मतलब नेगेटिव साइन। सो अब हम करने जा रहे हैं